वेलकम बैक टू प्रोग्राम स्पोकन इंग्लिश. गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर्यास मौर्य. गाइस, टुडे वी टेक अप अनदर पॉइंट ऑफ सक्सेस योर इंटरफेरेंस. पहले तो आप जान लो कि दिस लेक्चर या दिस क्लास इज फॉर स्पोकन इंग्लिश. इन दिस आई टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, confidently and in a very clear manner. So let us see these ideas. Success means safalta. Success ko bolte hain safalta. Success and then failure matlab hota asafalta. So safalta aur asafalta isko bolte hain safalta. Aur ye hai asafalta. और नीचे जो है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब होता है जब हम किसी के बात में इंटरफेयर करते हैं. इंटरफेयर का मतलब होता है उसमें इंटरप्ट करते हैं, रोक करते हैं. इंटरफेरेंस मतलब होता है रोक टोक करना. आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे बात में, आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसको रोक टोक करना या डिस्टर्ब करना. डिस्टर्ब भी होता है डिस्टर्ब करना. तो इसके ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं. जैसे सफलता दिखाना है तो जब आप सफल होते हो, ए पर्सन हु इज सॉरी पहले हम असफल देखते हैं. ए पर्सन हु इज फेलोर इज अ फ्लॉ. अगर असफल पर्सन है तो उसको कहते हैं ए फ्लॉ. ही इज ए फ्लॉ. ही इज ए फ्लॉ. फ्लॉ का मतलब होता है असफल. बातचीत में कहते हैं ही इज अ फ्लॉ. दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि असफल है. He is a flop. तो he is a flop. और क्या होता है he is a flop के अलावा आप कह सकते हैं he is down and out. He is down and out. He is down and out का मतलब क्या हो गया कि वो खत्म है. मतलब he is unsuccessful, असफल, failure. तो इसको हम failure बोलेंगे. He is a flop, मतलब he is a flop का मतलब हो गया वो असफल है. He is down and out का मतलब खत्म है, असफल है, निराश है. और इसके बाद दूसरा हो सकता है he missed the bus. और एक तीसरा आप कह सकते हो कि ही मिस्ड द बस. ही मिस्ड द बस का मतलब वो असफल है. ही मिस्ड द बस का मतलब असफल है. और क्या हो सकता है He met his match. इसका मतलब ये होता है असफल. He met his match. इसका मतलब ये होता है असफल है. वो असफल है. और अगर जिसको कहते हैं कि भारी असफलता को कहते हैं फियास्को. जैसे द शो वॉज ए ग्रेट फियास्को. द शो वॉज अ फियास्को मतलब भारी असफलता. फियास्को
द शो वाज फियास्को, मतलब ये सारी चीजें आपको बताती हैं कैसे हम व्यक्त करेंगे। जैसे ही इज अ फ्लॉप असफल है, ही इज डाउन एंड आउट असफल है, ही मेट हिज मैच असफल है, ही मिस द बस असफल है, और ही इज अ फियास्को। फियास्को मतलब होता है अपार असफलता। तो गाइस ये हो गया असफलता। अब हम देखेंगे सफलता के बारे में। सफलता जैसे आप सफल हैं तो यू आर सक्सेसफुल, सीधे सीधे आप कहेंगे यू आर सक्सेसफुल। यू आर सक्सेसफुल, आप सफल हैं, यू आर सक्सेसफुल। और सफल हैं लेकिन एक और सफलता आप में जुड़ गई तो कहते हैं इट इज ए फीजर इन हिज कैप। एक तो कैप लगाए हुए हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा एक फीजर एक पंख लगा दें तो और अच्छा लगे लगने लगेगा। तो उसको बोलते हैं इट इज फीजर इन हिज कैप, मतलब सोने में सुहागा। इसको बोलते हैं सोने में सुहागा है, तो इट इज ए फीजर इन द कैप। एक ये हो गया। And he pulled it off. जैसे कोई जैसे he pulled it off का मतलब क्या, वो सफल हो गया, वो जीत गया। he pulled it off जैसे टग ऑफ वार होता है, रस्सा कसी होता है, ही पुल्ड इट ऑफ, इसका मतलब यह कि वो सफल हो गया, वो जीत गया, खींच लिया या दूसरे को हरा दिया, इसको बोल सकते हैं। एंड और एक कहते हैं ही मेड इट का मतलब होता है कि उसने सफल किया है। ही मेड इट का मतलब हुआ बनाया नहीं, वो सफल रहा। ही मेड इट का मतलब ही होता है वह सफल रहा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का बताया हमने, यू आर सक्सेसफुल आप तो कह सकते हो, यू आर सक्सेसफुल, दूसरा चीज इट इज अ फीजर इन योर कैप या इट इज फीजर इन हिज कैप, ये भी कह सकते हो। और फिर आप कह सकते हो ही पुल्ड इट ऑफ का मतलब सफल रहा, ही पुल्ड इट ऑफ। और ही मेड इट का मतलब होता वो सफल रहा। तो इस एक्सप्रेशन को आप जो है आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बोलोगे, कैसे बोलना चाहिए। तो इन ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप याद रखें और इसको बोलने की प्रैक्टिस करें। अब रह गए तीसरा पॉइंट है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस तब होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, दूसरा जो है आकर के आपको रोकता है या उसमें उलझ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे है कि आप कह सकते हैं माइंड योर बिजनेस। आप इसको माइंड योर बिजनेस, इसका मतलब है अपने काम से काम रखो, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, इधर उधर की बात मत करो, माइंड योर बिजनेस। हाँ, और एक ये हो सकता है कि कीप
keep your nose out of my mouth. Keep your nose out of my mouth. Keep your nose out of my affairs. मतलब हमारे मामले में आप अपना टांग नहीं अड़ाइए. नोज मतलब होता है यहाँ, नोज का मतलब ये समझिए क्या, आप मेरे जो जो हमारा मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिए. इंटरफेरेंस का मतलब हिंदी में हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप. तो कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स का मतलब मेरे मामले में आप दखल नहीं दीजिए. और नेक्स्ट है डोंट पोक योर आप ऐसे भी कहते हैं He is such an interrupting person. He is such an interrupting person. An interrupting person. वो हरदम दखल अंदाज, वो दखल अंदाज देने वाला है. He is such an interrupting मतलब दखल अंदाज देने वाला व्यक्ति, interrupting. And the last one is एक नोज से ही है बना हुआ है. Don't poke your nose. Don't poke your nose. Don't poke your nose. इसका मतलब तुम अपना टांग या नहीं आओ जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है. तो इसका यह मतलब हुआ जो तुमसे संबंधित चीज़ नहीं है उसमें तुम अपना टांग मत अड़ाओ, उसमें दखल अंदाजी मत दो. This is what is called interference. Interference. Don't poke your nose. Into what does not concern you. जो आपसे संबंधित चीज़ नहीं है उसमें आप जो है टांग नहीं अड़ाइए. तो यहाँ नोज का मतलब होता है जस्ट इंटरफेरेंस. तो हमने आपको चार तरह के सेंटेंस बताए एंड यू ट्राई टू नोट इट डाउन एंड ट्राई टू स्पीक. तो दिस इज ऑल फॉर टूडे. वी मीट यू टुमारो विथ अनदर सेट ऑफ वर्ड्स that will help you in speaking good English. Thank you very much.